तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आप लोगों का एग्जाम सामने आ गया है, और एग्जाम सामने आ गया मतलब कि अब आप लोग मोबाइल में थोड़ा सा पढ़ाई वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है? नहीं तो खाली शॉर्ट्स देख के टाइम बीतता था। चलिए तो शुरू करते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ठीक है? इन सभी का सिलेबस क्या क्या, सबसे पहले जानेंगे हम लोग, देख लेते हैं, ठीक है? कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, और ये आपका सेशन जितना भी चलेगा 22, 26, 23, 27 सबका काम देगा, ठीक है? सेमेस्टर 3 के लिए कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड। देखिए, अभी हम लोग जानेंगे सिलेबस, एक एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? इसमें आपको पढ़ना है सिटीजनशिप एंड ई गवर्नेंस के बारे में। दूसरा हम लोग जानेंगे माइनर पेपर, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में। माइनर पेपर में जो जिसमें रखा है उसको ध्यान देखिएगा, एमडीसी अगर आप रखें तो एमडीसी वाले को देख लीजिए, इसी वीडियो में बताएंगे, और माइनर रखें तो माइनर वाले को देखिएगा। जहां पे आपका वीडियो रहेगा उसको स्पीड करके पार कर दीजिएगा और अपने वाला में आ जाइएगा, ठीक है? इसी वीडियो में लंबा होगा वीडियो थोड़ा सा, लेकिन एक ही में सब में दे दे रहे हैं। फिर आपका मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5, इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है? तो इसमें आपको पढ़ना है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, ठीक है? पहले जानते हैं कितने मार्क्स का एग्जाम होगा सभी का, चाहे एमडीसी की बात करें, एकदम आ जाते हैं लास्ट में और आपको बताता हूँ, ठीक है? इसको पकड़ के मैं नीचे लेते आता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चाहे बात करें आपका तीनों पेपर का, एमडीसी, मेजर या फिर माइनर, सबका जो एग्जाम होगा 75 नंबर का होगा, ठीक है? 75 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, वही जैसा होता है, और इसको पास करने के लिए आपको 75 में 30 नंबर लाना होगा, ठीक है? इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 को बनाना होगा 15 मार्क्स वाला, ठीक है? कुल मिला के 75 मार्क्स, इस तरह से आपका एग्जाम सेट होगा, ठीक है? अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या देंगे मालूम है? तो नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी दिखा देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे एमडीसी पेपर, एमडीसी जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 में रखे हैं उनका सिलेबस रहेगा। सिलेबस का नाम है सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस, ठीक है? सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस आपको पढ़ना है। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता, गवर्नेंस मतलब सुशासन, ठीक है? नागरिकता और सुशासन के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू गुड गवर्नेंस, यानी कि एक अच्छी शासन व्यवस्था, सुशासन की विशेषता जानना है, ठीक है? किसे कहते हैं सुशासन, ठीक है? फिर आपको जानना है कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या है, यानी कि सुशासन क्या है। फिर आपका यहाँ पे फैक्टर एंड मॉडल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने मॉडल्स होते हैं। फिर आपको जानना है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस मतलब शासन, ठीक है? लोकतंत्र और शासन क्या है ये जानिएगा, इनके बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है? गुड गवर्नेंस और लोकतंत्र में क्या संबंध होता है। फिर आपको जानना है यहाँ पे डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट गवर्नेंस एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है शासन व्यवस्था का, ठीक है? स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इन सभी पे जानना है। फिर आपको जानना है यहाँ पे स्टेट एंड सिटीजनशिप इन गवर्नेंस, ठीक है? यानी कि स्टेट एंड सिटीजनशिप, स्टेट मतलब आपका हो गया राज्य, सिटीजनशिप मतलब यहाँ पे नागरिकता, ठीक है? इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में राज्य और नागरिकता की क्या भूमिका है, ठीक है, ये जानिएगा। किसी भी राज्य में वहां के नागरिक, जैसे हम लोग झारखंड राज्य के नागरिक हैं, ठीक है? नागरिक मतलब रहने वाला, ठीक है? हम लोग झारखंड के भी नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है? जब राज्य बोले तो किस राज्य के नागरिक हैं, झारखंड राज्य के। अगर बोले किस देश का नागरिक है तो भारत देश के, ठीक है? किस गाँव का नागरिक है तो अपना गाँव आ जाएगा उसमें। चलिए अगला हमारा फिर पढ़ना है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, ठीक है? यानी कि जितने भी संस्थान होते हैं और लीगल अरेंजमेंट, इनमें क्या क्या होता है, ठीक है? सिटीजन चार्टर क्या है, क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? और ई गवर्नेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है। इसमें फिर आपको पढ़ना है पब्लिक सर्विस
डिलीवरी के बारे में, फिर पढ़ना है लोकपाल के बारे में और लोकायुक्त के बारे में। ठीक है, कहाँ से पढ़िएगा, ये सभी बुक दिया गया है। अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग में से बुक कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ता है 1-2% बच्चा। ठीक है, जैसा कि मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, लेकिन मैं भी पूरा नहीं पढ़ा था बुक, 1 साल पढ़ा था बुक, 1-2 साल बुक पढ़ा, उसके बाद गेस पेपर पढ़ने लगा, और लास्ट सेमेस्टर में तो गेस पेपर भी नहीं पढ़ा था, इंटरनेट से पढ़ के कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, चलिए जो भी है, जहां से पढ़े लेकिन पढ़ना चाहिए भाई। हाँ, लेकिन मैं पढ़ता था पूरा। देखते हैं, तो इकाई 1 वही सुशासन का परिचय, ये आपका हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है जो भी अभी मैंने बताया उसको। ठीक है, तो MDC वालों का क्लास कंप्लीट यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दूंगा। अब हम लोग शुरू करते हैं माइनर पेपर वालों का, माइनर पेपर 1B। तो जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में रखे हैं, ठीक है, उनको पूछा जाएगा क्या, उनका पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 75 मार्क्स वाला जो है ना आप लोग का नहीं है, 75 मार्क्स था इनका, MDC वालों का था, और सॉरी आप लोग का भी है यार, सॉरी सबका 100 मार्क्स का है। ठीक है, हाँ यहाँ पे बोलिएगा तो फिर 100 लिखा है, 100 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रैक्टिकल जो इंटरनल एग्जाम जो होता है ना 25 नंबर का, वो भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, माइनर पेपर माइनर पेपर, MDC पेपर और ऑनर्स पेपर सबका 75 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 माइनर पेपर में अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर के जितने भी विचारधाराएं हैं उन सभी के बारे में उनको जानना समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, अंबेडकर मतलब तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका भी हिंदी कर दिए हैं, पढ़ना है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड अंबेडकर, यानी कि भारत का इतिहास और अंबेडकर में अंबेडकर के विचारधाराओं के अनुसार। इसमें क्या पढ़ना है, अंबेडकर एंड आर्यन इन्वेशन थ्योरी, अंबेडकर ने जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, उन्होंने आर्य कैसे आए इनके बारे में क्या बताया, अंबेडकर ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में, इसको किस तरह से बताया भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अंबेडकर किस तरह से सोचते थे उनके बारे में, ये चीज जानना है। ठीक है, फिर है आपका अंबेडकर एंड कोर इशू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान के बारे में क्या क्या मुद्दे हैं जो कि भारत के संविधान से संबंधित हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, क्योंकि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं भाई, ठीक है, भारत के संविधान के पिता है, रचयिता है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो उनके बारे में तो जरूर ही जानना होगा। अंबेडकर रोल एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इसके बारे में जानना है। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब होता है छापना। अगला है हमारे यहाँ पे कि अंबेडकर स्टैंड ऑन की इशू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संवैधानिक असेंबली था, संविधान सभा बना था, तो संविधान सभा बनने से पहले संविधान बनाने से पहले संविधान सभा बनाया गया था। ठीक है, और उनके बारे में क्या क्या मुख्य बातें बोले भीमराव अंबेडकर ने, ये जानना है। अगला है हमारा लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि भाषा और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। ठीक है, भाषा और संस्था एक राज्य के क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से भाषा है, किस तरह से बंटवारा किया गया राज्यों का भाषा के आधार पे, जैसे तेलुगु जो बना ना, तेलुगु आंध्र प्रदेश बना है तेलुगु भाषा के आधार पे, पहला राज्य भारत में, ठीक है, भाषा के आधार पे। अगला है, ये सब पढ़ना है आपको, अंबेडकर एंड हिज आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है इसमें भीमराव अंबेडकर की क्या क्या विचारधाराएं हैं। ठीक है, इसमें आपको जानना है डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस के बारे में, यानी कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के बारे में, एजुकेशन वुमेन राइट, ठीक है, यानी कि महिलाओं को जो शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जानना है, इक्विलिटी यानी कि समानता के बारे में जानना है, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के बारे में जानना है, एंड जस्टिस मतलब न्याय के बारे में जानना है। फिर है हमारा एज अ विजनरी एंड क्या है यार, बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत बना इसके बारे में जानना है कि किस तरह से बना है। ठीक है, किसका प्रोसेस क्या रहा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट आपको जानना है अंबेडकर एंड सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि भीमराव अंबेडकर और सामाजिक लोकतंत्र के बारे में, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो अंबेडकर ऑन कास्ट
एंड अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की भावना होती है, भीमराव अम्बेडकर एक क्या बोलते हैं उसको, दलित समुदाय से थे, ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा समाज में, ठीक है, तो बहुत इसके बारे में मतलब क्या ही बताएं, सब कोई जानती है छुआछूत, नीचे जात वालों को है दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अभी नहीं देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी सब चलता है, लेकिन इसका मतलब बोलिएगा अपनी मम्मी, मम्मी हम दूसरा कास्ट में शादी कर रहे हैं, एक बार बोल के देखिएगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। चलिए हम एक बार बोले थे, लेकिन मेरी मम्मी बोले नहीं रे बेटा ऐसा मत करना, चलिए मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं रियली बोला था, ठीक है। चलिए उनका व्यू जानना चाहा था, लेकिन देखिए वो जो भी हो, लेकिन आने वाला हमारा जो फ्यूचर है ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। हम कर्म सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, आदमी की क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, उनके कास्ट व्यवस्था पे नहीं, ठीक है। और हम लोग का ऐसा जनरेशन बनना ही चाहिए, पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं कि खाली किताब में पास कर जाए, अपना दिमाग को बदलो, समझो। चलिए वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है, वीजा किस प्रकार हम लोग उसका इंतजार करते हैं। फिर आपका गांधी एंड अंबेडकर ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। देखिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा भावना था, अलग अलग। गांधी जी सोचते थे कि नहीं, जो कास्ट सिस्टम चल रहा है ये चलता ही जाए, अच्छा है, लेकिन हाँ गांधी जी ये बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम चले और लेकिन छुआछूत ना हो। अरे भाई ये कैसे संभव है, ठीक है, कि छुआछूत भी ना चले और कास्ट सिस्टम चलता रहे, नहीं, कास्ट सिस्टम को बदलना है तभी छुआछूत दूर होगा, ठीक है, जाति व्यवस्था को हटाइए तभी आपका छुआछूत दूर होगा, नहीं तो फिर जाति व्यवस्था रही रहेगा तो फिर छुआछूत वगैरह कुछ दूर नहीं होगा, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर बोलते थे नहीं, छुआछूत भी नहीं रहेगा और जाति व्यवस्था भी नहीं रहेगी, ठीक है, सब तोड़ो नया भारत में, तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका पढ़ना है किनको, तो माइनर पेपर वालों को, पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर। अब हम लोग देख लेते हैं ऑनर्स पेपर, जिसको हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर, ये आपका हिंदी वाला है, माइनर पेपर वालों का, माइनर पेपर वाले अब कंप्लीट हो गए, बाद में मैं आप लोग का एक वीडियो दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और एक वीडियो दे दूंगा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर, ठीक है, बाकी अपलोड कर दिया है अभी भी, आप लोग देख सकते हैं सेमेस्टर थ्री का शायद अपलोड कर दिया होगा। मेजर पेपर फोर देखते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर फोर, इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले, और इसके बाद देखेंगे मेजर पेपर फाइव, ठीक है। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंशियंट मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, थॉट्स मतलब चिंतन, ठीक है, तो प्राचीन भारत में किस प्रकार राजनीति में चिंतन किया जाता था वो जानना है, इसमें आपको सब पढ़ना है, वो पुराने जमाने वाले चाणक्य वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहला है हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडिया एंड थिंकिंग इन इंडिया, ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है फीचर सोर्स, मतलब जो राजनीतिक चिंतन है इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इसके स्रोत क्या है, डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसे हुआ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, ठीक है। फिर आपका ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ भारत, भारत की भौतिक और सांस्कृतिक परिभाषा जानना है, क्या कहाँ तक फैला था पहले, ठीक है। फिर जानना है आपका टेरिटोरियल क्या है यार डिपिक्शन, इसका हिंदी मुझे मालूम नहीं है, टेरिटोरियल डिपिक्शन ऑफ भारत इन बिस्मा परवा एंड सिंटी परवा, इन सब के बारे में मुझे नहीं मालूम है इतना। देखिए मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं मालूम है, फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ एक दो वर्ड, ठीक है। चलिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर आपका यहाँ पे डिपिक्शन ऑफ भारत इन पुराण, देखिए ये जो पुराण होता है, पुराण महाभारत ग्रंथ वगैरह ये भी था क्या यार, पूर्वा एंड संति पूर्वा बिस्मा पूर्वा कोई होगा, इसको हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिपिक्शन ऑफ भारत इन पुराण, देखिए पुराण में भारत के बारे में क्या बताया गया वो जानना है। फिर आपको जानना है सभा क्या होता है, समिति क्या होता है, ठीक है, विधाता क्या होता है, राजन क्या होते हैं। फिर आपका जनपदा क्या होता है, देखिए प्राचीन भारत में 16 को जनपद हुआ करता था, ठीक है, जैसे मगध हो गया, चंपा हो गया, खेती हो गया, बहुत सारा था यार, कितना बताएंगे, वज्जी हो गया, ठीक है, तो 16 को महाजनपद था, मतलब 16 को राज था प्राचीन भारत में। फिर आपको जानना है महाजनपद के बारे में, वही हो गया जनपद और महाजनपद, ठीक है, जनपद मतलब हो गया आपका जिला, महाजनपद मतलब हो गया आपका राज, ठीक है। फिर आपको
क्या जानना है? तो गण संज्ञाम, राज्य राज्य, अमात्य अमात्य बोलते थे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और महाराजा राष्ट्रपति जो होते हैं वो महाराजा था, और अमात्य था आपका पीएम, लेकिन अभी उल्टा हो गया, जो पीएम है वो ज्यादा पावरफुल हो गया है, और जो राजा होता है यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, सेकंड होता है उपराष्ट्रपति, थर्ड होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का पावर देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, संविधान के नजरिए से मत देखिए, यहाँ पे कुछ दूसरा चलता है, ठीक है, पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता है हमारे देश में। चलिए सभा समिति इन सब के बारे में जानता है, फिर आपको जानना है नेशन वर्सेस राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र और राष्ट्र में क्या अंतर है। अरे यार, ठीक है, इंडिया भारत, कौन इतना जोर से रो रहा है यार, ठीक है, इंडिया भारत रिलीजियस यानी कि धर्म के बारे में, धर्म कल्चर और संस्कृति के बारे में, फिर आपको जानना है धर्म मनिष्कर्मण, धर्म मणि प्रकृष्टा इसके बारे में, फिर आपको जानना है यहाँ पे, मुझे ना एक बार पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं पढ़े, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ लूंगा पहले ही एक बार, ठीक है, अच्छे से। फिर आपको जानना है मनु एन, जो मनु महाराज हुए करते थे उनके बारे में, ठीक है, फिर आपको जानना है कौटिल्य चाणक्य के बारे में, ठीक है, देन आपको जानना है पॉलिटिक्स एंड एंशियंट स्क्रिप्ट्स के बारे में, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत में जैसे लिपियां चलती थी उस टाइम पे, खरोष्ठी लिपि हो गया, विक्रम संवत चलता था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, इन सब के बारे में, इसमें आपको जानना है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, मनुस्मृति के मनु महाराज, और अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, तीन को नाम बता दिए। अगला है द आइडिया ऑफ, तो क्या है हमारा द आइडिया ऑफ मोनार्की एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, इसमें आपको जानना है शांति पर्व इन महाभारत, महाभारत में शांति पर्व क्या है, मनु के बारे में जानना है, कौटिल्य के बारे में जानना है, यार गजब है आज, थोड़ा ना खाली है, और चलिए क्या बताएंगे, मटन खाएं, लेकिन खाने का मन नहीं करता, फिर भी खा लेते हैं घर वालों के डर से यार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तिरुवल्ली एंड पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, यानी कि राजनीति में जो हमारे एथिक्स है, एथिक्स मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है, इसके बारे में, और देन है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्शन के बारे में जानना है, कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस एंड डिप्लोमेसी के बारे में, ठीक है, इसमें आपको जानना है मनु एज लो, मनु महाराज के क्या कानून बनाए हैं, गिवर एंड प्रिंसिपल ऑफ जूरिस प्रोडेंस, ठीक है, फिर आपको जानना है कौटिल्य, देन आपको जानना है कमांडक के बारे में, फिर आपको जानना है डिप्लोमेसी इन इपिक रामायण एंड महाभारत। देखिए कुछ कुछ वर्ड है, जैसे ये हो गया जूरिस प्रोडेंस, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसका आंसर मैं हिंदी नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, और नहीं कर पाया हूँ तो डायरेक्टली बोल दूंगा यार, झूठ मूठ का कहे आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसलिए मैं आपको हिंदी करके दे दिया, ठीक है, हिंदी करके दे दिया हूँ, जैसे ये न्याय शास्त्र था ना यार, चलिए अब जान लिए, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूंगा, मुझे लगा कि यार पॉलिटिकल साइंस तो मैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने इससे किया है, ठीक है, तो मुझे सब कुछ मालूम होगा, लेकिन मुझे इंग्लिश मालूम नहीं होगा, ठीक है। चलिए थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब आपको जानना है लोक प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन के सिद्धांत, थियोरी मतलब होता है सिद्धांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन, ठीक है, सबसे पहले जानिए थियोरी ऑफ लोक प्रशासन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसे कहा जाता है, वुडरो विल्सन को, ठीक है, किसको, वुडरो विल्सन, और ये अमेरिका के एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं, पढ़िएगा ना पता चल जाएगा, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और इसी से मैंने अपना मास्टर एमए किया है कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल साइंस से बीए किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया, और अब पीएचडी करेंगे, पहले आप जॉब खोज लेंगे यार कहीं पे, जॉब खोज लेंगे उसके बाद, समझ रहे ना, खोज लेंगे उसके बाद पीएचडी करेंगे। इंट्रोडक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन का इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, ठीक है, तो देखिए लोक प्रशासन किसे कहते हैं, वैसा प्रशासन जो जनता और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी होती है उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं,
एगो परिभाषा ये हो गया, बहुत सारा परिभाषा है ठीक है। तो मेनली इसका क्या काम होता है कि जनता और सरकार के बीच की जो कड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरकारी कर्मचारी यानी कि सरकारी नौकरी, वही हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए, जितना भी सरकारी नौकर है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। विशेष रूप से हम लोग जब पॉलिसी बनाने का काम करता है, जैसे आपके आईएएस आईपीएस पीसीएस लेवल के जितने भी ऑफिसर होते हैं से लेकर के पंचायत सचिव तक, वे सभी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट किए जाएंगे ठीक है। यहाँ पे आपको जानना है एमरजेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन, फिर आपको जानना है मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का उद्देश्य महत्व, इन सब के बारे में जानना है ठीक है। प्राइवेट लोक प्रशासन क्या होता है और सरकारी लोक प्रशासन क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ठीक है। आगे देखते हैं, तो फिर आपको जानना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू पब्लिक सर्विस ठीक है। और फिर आपको जानना है यहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको जानना है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था किसे कहते हैं, एनजीओ वगैरह के बारे में जानना होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या सिद्धांत होते हैं, बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या आधारभूत तत्व होते हैं, देन आपको जानना है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें आपको जानना है टेलर के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में जानना है ब्यूरोक्रेसी ठीक है, स्कूल सॉरी ह्यूमनिस्ट स्कूल के बारे में जानना है जो कि एल्टन मेयो के द्वारा लिखा गया है ठीक है। देन आपको जानना है इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जो कि फ्रेडरिक रिज के बारे में। देन है आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यानी कि आपको जो हम लोग बोलते हैं ना निर्णय लेने की क्षमता, वो आपका हर्बर्ट सिमोन का एक थ्योरी है जो आपको पढ़ना है ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, गुड मतलब अच्छा होता है ना, तो अच्छा शासन उसी को बोलते हैं सुशासन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको पढ़ना है गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है ठीक है, किसे बोलते हैं अच्छा शासन, यार जहाँ सब कुछ अच्छा चले उसी को अच्छा शासन बोलते हैं ठीक है। आप लोग डिटेल में लिखिएगा और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। फिर आपको प्रोसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी जो हमारी सरकार की पॉलिसी बनती है, स्कीम बनती है, योजनाएं बनती है ठीक है, उसको समझना है, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन और इसका हम लोग जो है जमीनी स्तर पे उपयोग कैसे करवाते हैं ठीक है, ये जानना है। देन आपको जानना है रोल ऑफ सिटीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारा सिटीजन पे नागरिकों पे क्या इसका महत्व होता है ठीक है। आरटीआई के बारे में जानना है, आरटीआई के फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। सिटीजन चार्टर के बारे में जानना है, चार्टर मतलब होता है आपका संविधान तरह से समझ लीजिए ठीक है, नागरिक चार्टर नागरिकों के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड सोशल ऑडिट के बारे में जानना है ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब ग्राहक सुरक्षा एक्ट अधिनियम के बारे में ठीक है, ग्राहक सुरक्षा अधिनियम एंड सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक ऑडिट का हिंदी क्या होता है मैं बोल रहा हूँ यार ठीक है, तो जो भी है देख लेते हैं, ये आपको जानना है। अंकेक्षण देख रहे हैं कितना डेंजर हिंदी है ऑडिट का। चलिए तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब आप लोग जो भी टॉपिक दिया गया है सबसे पहले तो इसको नोट कीजिए ठीक है, और एक एक को गूगल में पढ़िएगा, अभी बस गूगल में पढ़िए, अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से भी पढ़ सकते हैं, बाकी गूगल से पढ़िए, जो भी टॉपिक दिया गया है उसको गूगल से पढ़िए, और जल्दी से मैं कोशिश करूंगा आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने का ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा एग्जाम से पहले ही, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा डेफिनेटली वहां से मैच करेगा आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आप लोग को क्या बोलते हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि पूछा गया क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ताकि वहीं से मैच कर जाए आपके क्वेश्चन और सब कुछ फ्री में ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलिए, आज सोहराय है, मुझे भी देखने जाना है यार, सोच रहा हूँ अभी वीडियो बना के देख के आऊंगा और फिर डाल दूंगा शाम को ठीक है, बाय, बाद में इसको डाल दूंगा।